समझ में आ रहा मुझे ये डेयर दिया क्यों तीनों को। बॉस बॉस तो नेक्स्ट जो डेयर मुझे मिला है वो मेरे भाई ने दिया है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्रुथ एंड डेयर। एक्चुअली मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लिखा था कि मुझे काफ़ी सारे ट्रुथ चाहिए और डेयर चाहिए, तो मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी सारे डेयर्स वगैरह दिए थे, तो आज मैं वीडियो में वही करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला डेयर है ये वाला और इसके लिए मुझे कोई चाहिए, तो मैं ये एक बंदे पे नहीं करूँगी, मैं जस्मिन पे भी करूँगी ये, और मेरे एक दो ब्रदर वगैरह सब पे मैं ये करने वाली हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये वाला डेयर, तो चलिए चलिए। वो भी नीचे है और मैं ऊपर आई हुई हूँ, तो भी देखते हैं उसको, ढूंढते हैं कहीं पे, तो कुछ तो काम कर रही होगी। तो अभी पहले चलते हैं, फिर वाली गिरने वाली थी। हरमन सीरत पोस्ट तीनों बॉस। सो आई गेस सृष्टि का डेयर कंप्लीट हो गया, सो कोई बात नहीं, अनबॉस। हमारा फर्स्ट डेयर कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है ये वाला, और वो पूछा है मेरे से मेरी फ्रेंड ने एक, तो उसने मुझसे पूछा है कि मेरी फिफ्थ क्लास में बेस्ट फ्रेंड कौन थी। तो कौन थी मेरी बेस्ट फ्रेंड? अब मेरी एक्चुअल में दो या तीन बेस्ट फ्रेंड्स थी फिफ्थ क्लास में, रमन्या, शिविका और एक दो और थी पनवी, कृति समथिंग। हाँ, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स काइंड में मैं इनके साथ उठता बैठना मेरा बहुत ज़्यादा था उनके साथ। सो या आई गेस तेरा क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मुझे दिया है ये वाला गायत्री ने, और गायत्री उन्होंने मेरी फ्रेंड है, तो उसने मुझे डेयर दिया। आई मीन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उसने क्या सोच के मुझे ये डेयर दिया, थोड़ा टफ है बट कोई बात नहीं, डर के आगे जीते। तो हम लोग करते हैं अभी डेयर। मुझे डर लग रहा है। मम्मा 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 मेरे को शादी करनी है, आई वॉन्ट टू मैरी। गाइस तो नेक्स्ट जो डेयर मुझे मिला है वो मेरे भाई ने दिया है, और उसने मुझे पता क्या दिया है, देख लो खुद ही, उसने मुझे दिया है कि मुझे हॉरर गेम खेलना है और आपके साथ फिर एक्सपीरियंस शेयर करना है। यार व्हाट इज दिस? और अब मैं ये गेम अकेले तो बिल्कुल नहीं खेलूंगी, तो मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैंने एक गेम खेला हुआ है चार्ली चार्ली, तो मैं वही दोबारा खेलने वाली हूँ। आई नो बहुत ही हॉन्टेड है, मतलब डर लगता है यार, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, बट मैं अपनी सिस्टर को लेके खेलूंगी, तो दस मिनट प्लीज़ मेरे साथ खेलना पड़ेगा। पर मैं खेलूंगी, मैं नहीं डरती, तो मैं तो खेलूं। मैं डरती नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं डरती। अभी फट्टू नहीं, अभी तेरे निकालती हूँ तेरे को मैं। हाँ नहीं तो, हाँ तो अब हम लोग खेलने वाले हैं एक हॉन्टेड गेम, चार्ली चार्ली आर यू देयर मम्मा, वाइग्रो वाइग्रो। सो गाइस ये रहा हमारे पास पेपर, और इसमें इससे हम लिखेंगे, और दो पेंसिल्स, और लेट्स गेट स्टार्ट। Yes. No. No. Yes. अब गेम शुरू होने से पहले भगवान का नाम ले लो। जय श्री राम, वाहेगुरु, बाबा जी मेहर करना, वाहेगुरु सच्चे बादशाह मेहर करना, बचा लेना, कुछ ऐसा कुछ गलत मत करना हमारे साथ। अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा, पहले मम्मी डर लगा, पेंसिल में जादू डाल देते, वाहेगुरु वाहेगुरु। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, डर लग रहा है। अभी क्या, अभी कौन कह रहा था मैं डरती नहीं? चुप 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 चुप। और पंखा हमारा बंद है, सो अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। चार्ली चार्ली आर यू देयर? पूछो, मैं बोलूंगी चार्ली चार्ली आर यू देयर? नहीं, चार्ली चार्ली आर यू देयर? मम्मा हमने कोई फूंक नहीं मारी ना, हमने को पंखा चल रहा दिखा, दिखा दे एक बार, दिखा दे, पंखा भी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, और ये हिला कैसे? चार्ली चार्ली आर यू देयर? मम्मी मेरे को डर लग रहा है,
दादू ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस था यार, ये कुछ नहीं था। पता है तो एकदम से ना जब आपको लगता है आपके दिमाग में चल रहा होता है ना कि आप ये ऐसा कुछ कर रहे हो, आप ये गेम खेल रहे हो, तो बंदे के दिमाग में और एक तो डर बैठ जाता है ऊपर से ये मम्मा। नहीं अब तो खेलनी पड़ेगी गेम, खेलनी तो नहीं गेम हमने खेल ली, बस अब और नहीं खेलना मेरे को कुछ अपनी जान पे पल्ला नहीं पड़ रहा, मेरे को मेरी जान बहुत प्यारी है, कोई बात नहीं। अब फिर कोई बात नहीं, अब क्या करें, नेक्स्ट ट्रुथ पे चलते हैं। नेक्स्ट ईयर मुझसे पूछा है जसमन ने ही, सो उसने मुझसे पूछा है चाय या फिर कॉफ़ी। पहली बात तो चाय मैं ज़्यादा पीती नहीं, बट पीती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती थी क्योंकि अब मेरी दवाई चल रही थी, मैं इसके लिए कॉफ़ी नहीं पी पा रही, वरना मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो आई विल चूज़ कॉफ़ी। सो लेट्स मूव टू अनदर ईयर। नेक्स्ट ईयर है ये वाला भी बहुत ही निहायती घटिया डेयर है, डेयर है। अरे कहना क्या चाहते हो, बट यार कोई बात नहीं, चलते हैं करते हैं डेयर, और ये बैठी हूँ यहाँ पे, लेट्स गो। ये नहीं समझ में आ रहा मुझे ये डेयर दिया क्यों, और दिया तो चलो दिया, चलो डांस इन पब्लिक आए आई स्टिल नो, बट छपरी बोल रहा है मुझे पर ये मैडम मेरा शूट करने वाली यहाँ पे, यार मैंने आप तो अंकल हैं देख रहे हैं, मम्मा मेरे को डर लग रहा है, कौन बाइक वाले बहुत सारे हैं, दिखा दो, करो स्टार्ट करो। आई एम छपरी, डन, हमारा डियर ये वाला भी डन हो चुका है। एक्चुअली उसने मुझे बोला था डांस करना है, बट ना बाहर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मैं वो नहीं कर सकती, बट मैंने जो करना था वो मेन जो चीज़ करनी थी वो मैंने कर ली। तो चलेगा, आपका डियर भी कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रुथ पे। हाय बोलो, हाय हाय। तो नेक्स्ट मुझसे पूछा है ये वाला क्वेश्चन, और इन्होंने मुझसे पूछा है कि मुझे ये बताना है कि मैं कौन सी सेलिब्रिटी को हेट करती हूँ। सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि मैं किसी सेलिब्रिटी को हेट नहीं करती, मेरे को बस एक सेलिब्रिटी है जो मुझे जस्ट मतलब पसंद नहीं है, आई जस्ट डोंट लाइक हर बट आई डोंट हेट हर, तो वो है प्रियंका चोपड़ा। तो मैं उनको हेट नहीं करती बट आई जस्ट डोंट लाइक हर। सो आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने दीदी, सो लेट्स मूव टू अनदर डे। हाय बोल दे। हाय हाय, ये तो मैं बिंदी बिंदी बिंदी, तो ये वही है जो मेरी मेरे को इससे बहुत प्यार है ना, किसी कर दो किसी। अभी मैं नानी हूँ, बिंदा बिंदा। अच्छा पारी तो कर दे, उधर भी पारी कर दे, उनको भी कर दे। चल अब जाओ आप ऊपर जाओ। नेक्स्ट ईयर हमारा ये वाला, और इसमें मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बालकनी में जाना है और चीखना है आई लव यू, पता नहीं मैं किसको बोल रही वाली हूँ, बट ये वाला डेयर मुझे जिसने दिया था मैंने उससे पूछ लिया कि एक्चुअली ना यहाँ पे बालकनी में हमारे बंदर बहुत हैं तो मैं बाहर नहीं जा सकती बालकनी में, तो मैंने उससे पूछ लिया कि मैं घर के बाहर जाके डेयर कर लूँ, तो उसने बोला हाँ तू घर के बाहर जाके कर लेना। सो अब मैं चलती हूँ बाहर और चिल्लाना है मुझे आई लव यू, सो लेट्स गो। फिर से आती मैं बाहर, चलो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मम्मी मैं मर गई, पीछे इतने सारे लोग हैं क्या करूँ, नहीं मैं इधर ही चिल्ला देती हूँ, ठीक है इसको बोलना है क्या करूँ, चला दूँ तो हवा इतनी चल रही है ना, थ्री टू वन आई लव यू। माय डियर इज कंप्लीट, आई नो जैसा उसने बोला था वैसा नहीं कर पाई क्योंकि यार सीरियसली बहुत लोग हैं, बहुत शर्म सी आ रही थी मुझे, सो कोई बात नहीं, बट मैंने काफ़ी अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा डेयर कर लिया, सो गुड जॉब। डेयर मुझे मिला है ये वाला जिसमें मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है और लिखना है कि आई एम रियली मैड बट आई एम नॉट ओके, तो अब कोई बात नहीं डेयर है तो करना पड़ेगा, सो लगा रही हूँ अभी मैं, बट उन्होंने ये नहीं बताया कितने टाइम तक के लिए मुझे अपनी स्टोरी लगानी है, सो मैं थोड़े टाइम बाद हटा दूँगी। सो मैं अपनी कोई फ़ोटो देखूँ, सो ये अब मैं इसको डाल देती हूँ,
या डन। तो स्टोरी मैंने डाल दी, सो मेरा डेयर कंप्लीट हो चुका है गाइस। आज फॉर टुडेज वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब पास वाले बेल बटन भी आप क्लिक कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आप लोगों को ऐसे और चैलेंजेस देखने हैं तो डू कमेंट डाउन और वीडियो को लाइक भी कर देना। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।